अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा दूसरा व्लॉग है। इस व्लॉग में आया हूँ एक्सपो सेंटर कराची, जो कि सोई गैस कंपनी के बिल्कुल सामने है। एक्सपो सेंटर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल कुतुब मेला है। यहाँ किताबें पूरी दुनिया के हर किस्म की किताब, हर ज़ुबान की किताब, हर राइटर की किताब मिलती है, और 50% डिस्काउंट में। उससे पहले वहाँ जाने से पहले मुझे यहाँ जहाज़ दिखा PIA का, तो मैंने कहा चलो जहाज़ को देखता हुआ जाऊँ, जहाज़ के अंदर भी घुसूँ। ये जहाज़ का सिस्टम है वैसे पुराना जहाज़, ये जहाज़ के गियर वेयर ब्रेक है, मुझे तो अब मैं जा रहा हूँ जहाज़ के अंदर तक जहाज़ के अंदर भी वीडियो कर सको, देख भी लूँ कि जहाज़ किस तरह है, ये पुराना किस तरह, कहानी पता नहीं कि कहाँ से आया, क्यों आया, यहाँ क्यों खड़ा है, ख़राबी की वजह से कोई और मसला है, वो बाद में देखेंगे। पहले मैं देख लूँ, ये रहा जहाज़ का साइड PIA जहाज़ है, शक्ल से बहुत पुराना, लेकिन अंदर जाएंगे, अंदर कैसा है उसके हालात बाद में देखेंगे, और उसके बाद फिर जाएंगे एक्सपो सेंटर। जहाज है देखने में बहुत पुराना, ये इसकी लाइट वाइट सब कुछ बंद है, इंजन बंद है, धूल मट्टी पड़ा हुआ है, ये उसके टायर, ये जहाज के टायर साइड है, टायर ये देख, कितने पुराने जहाज की सैर करने के लिए 50 रुपये टिकट, अंदर आने के लिए 50 रुपये टिकट। इसके सीट वीट सारे ख़राब हो गए, ऊपर से छत भी ख़राब, इंजन सब कुछ ख़राब, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो 50 पाओ गया, अब रह गया सिर्फ जहाज का इंजन साइड। ये रहा जहाज का इंजन साइड, पायलट साइड, अब जहाज भी देख ले, अब जाएंगे एक्सपो सेंटर की तरफ, वहाँ किताबें देखेंगे, किताबें अगर अच्छी किताब होगी तो लेंगे, ऐसे ही बस देखेंगे। हाल नंबर 1 से भी निकला, अब जाऊंगा हाल नंबर 2 की तरफ, वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है, सबसे ज़्यादा रश हाल नंबर 2 में, क्योंकि शायद अच्छी किताबें सुनिएगा वो वहाँ मिलती है, या लोगों के मकसद की किताबें वहाँ मिलती है। ये रहा हाल नंबर 2 का गेट, यहाँ से जाऊँगा अंदर, फिर ऊपर से भी दिखाऊंगा, और एक एक हर एक स्टॉल तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर 365 या उससे भी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, तो मुख्तसर दिखाऊँगा और ऊपर से फिर छोटी सी वीडियो बनाऊँगा ताकि तुम लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अब मैं एक्सपो सेंटर के अंदर आ गया हूँ, यहाँ रश बहुत ज़्यादा है, मुझे अभी मैं बोलूँगा, जो मैं तरतीब बताऊँगा यहाँ की तरतीब कैसी है, मतलब हाल कितने हाल है, और अंदर जाने की तरतीब क्या है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, अभी आगे मैं वीडियो सामने नहीं करूँगा। इसकी तरतीब ये शुरू से कि इसके तकरीबन 6 हाल है, यहाँ हालों का नक्शा बना हुआ है कि कौन सा हाल किस तरफ है, तो उसी के मुताबिक जाने की तरतीब बनाई है, जिस तरह बाहर से हालों की तरतीब बनाई, तो उसी के मुताबिक यहाँ हाल नंबर और उस पर नंबर लिखा हुआ होता है। जैसा कि ये कहाँ गया हाल, ये है हाल नंबर 2, इसमें बहुत ज़्यादा रश है, मैं पहले इसमें नहीं जाऊँगा, इसके अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि
मुझे अपनी ये वीडियो बहुत मुख्तसर करनी पड़ी क्योंकि 6-7 हाल है उसमें, अगर हर एक अलग दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तकरीबन 20-35 मिनट लगेंगे। इसलिए मैं मुख्तसर करके एक दो हाल लिखा कि पूरा माहौल पूरे हालों की एक ही तरतीब है, उसी तरह उसके मुताबिक है। फिर ये अभी जो मैं अंदर जा रहा हूँ ये है हाल नंबर 3। ऊपर की तरफ ऊपर फ्लोर पे यहाँ पे एक कैंटीन बना हुआ है, खाने की हर चीज़ मिल जाती है वैसे, क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो गई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी, तो ऐसी बनी हुई है, ऐसी लगी हुई है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि उसके सामने ऐसी काम नहीं कर रही है, और इतने बड़े बड़े हाल है कि बंदा उसमें घूम घूम के बंदों की हालत हो जाती है। अब से आए हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए, तो फिर उतनी ही रश है, कितने लोग आते जाते हैं, जितने लोग जा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, रश बढ़ती जा रही है, हालांकि रात का टाइम हो गया। तो अब यहाँ ऊपर से वीडियो से ही बनेगी, कितने स्टार लगे हुए ये गेट के बिल्कुल सामने, अभी भी देख कितने सारे लोग आ रहे हैं, जान दे रहे हैं, आ दे रहे हैं। चलो आप देखते हैं सालों की तरफ किस साल की क्या करती है, किस साल बने हुए किस तरह की दिखा मिलती है, उसी तरह साल के ऊपर लिखा हुआ है, साल के ऊपर लिखा हुआ है, और इसके अक्सर ऐसा होता है कि मुख्य लाइब्रेरी में से किताबें आई हुई होती हैं, तो उस लाइब्रेरी का पता लिखा होता है। इतने बड़े बड़े स्टॉल हैं, इतने ज़्यादा, इतने बड़े बड़े और लोग भी इतने ज़्यादा, ऊपर से वीडियो सही नहीं बन सकती है, और दूसरी बात ये कि स्टॉल है भी बहुत ज़्यादा, 363 या 370 इस तरह कुछ है, इससे ज़्यादा है। तो आप चलो देखते हैं ऊपर से स्टॉलों की तरफ के, ऊपर से स्टॉल की तरह नज़र आ रहे हो, स्टॉलों की तरफ बोला है कि उन्होंने क्या दी हुई ताकि लोगों को आसानी हो, स्टॉल का नंबर